तहत अब बेगूसराय संवाददाता सौरभ 9:30 बजे बेगूसराय पीएचसी पहुंचे, लेकिन अस्पताल में ताला लटका हुआ था। बाद में सौरभ बाघा उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहां भी ताला लटका हुआ मिला। इसके बाद सौरभ करीब 10:30 बजे बरौनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां एक डॉक्टर और 2 कर्मचारी मौजूद थे। प्रभारी को सौरभ ने संपर्क किया तो साहब एक लाइन में यह कहकर पल्ला झाड़ दिए कि हम मैदान में हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जारी आदेश पर बेगूसराय स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अलर्ट जारी है। हर स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में 24 घंटा सुविधा देने की बात कही गई है, लेकिन अभी हम खड़े हैं बेगूसराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं 9:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। एक भी कर्मचारी यहां पे मौजूद नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मेन गेट है जिसमें ताला लगा हुआ है, और इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, लेकिन हर कमरे में ताला लगा हुआ है। यहाँ कोई भी कर्मचारी अभी तक नहीं आए हैं, न ही यहाँ कोई कुछ बताने वाला कोई कर्मचारी मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे ओपीडी सुविधा नहीं चलाई जाती है, लेकिन अलर्ट के बावजूद अगर कहीं से कोई मरीज आए तो उसको कोई जानकारी देने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है 24/7 का जो अलर्ट है, लेकिन यह बेगूसराय सदर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन 9:30 से ज़्यादा होने को है, लेकिन अभी तक यहाँ ना तो कोई चिकित्सक आए हैं और ना ही कोई कर्मचारी। अगर कोई मरीज या कोई मरीज के परिजन जानकारी लेने के लिए भी आए तो उनको कोई जानकारी देने वाला भी नहीं है। अब इसके बाद हम आपको ले चलेंगे इसके उप स्वास्थ्य केंद्र और बरौनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां का जायजा लेंगे और देखेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है वह कितना सही है। बेगूसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद अब हम पहुंचे हैं बेगूसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप स्वास्थ्य केंद्र, जो बाघा में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, लेकिन जो कोरोना वायरस को लेकर 24/7 का अलर्ट किया गया है उसका असर यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ कोई मरीज आएंगे, परिजन आएंगे, तो उनको कोई जानकारी नहीं देने वाला कोई नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि सुबह 11 बजे से संध्या 7 बजे तक ही चिकित्सक और कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसका असर यहाँ नहीं दिख रहा है, और समय में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अगर कोई मरीज या उनके परिजन आएंगे तो उनको बताने वाला भी कोई नहीं। आप लोग कहाँ पे रहने वाले हैं, कितने बजे डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? 11 बजे अलर्ट है, उसके बाद भी सवेर नहीं खुलता ना? उससे पहले नहीं। 11